नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका आईएनएन 24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। राजधानी के नया रायपुर के डीडीओ चौक के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके में पहुंची राखी थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान रुकमणी साहू निवासी बालोद के रूप में हुई है। पार्थी चंद्रहास साहू ने बताया कि वह अपने बेटे नेमन साहू के घर सेक्टर 16 नवा रायपुर आए हुए थे। गुरुवार की शाम लगभग 6 बजे साप्ताहिक बाजार जाने के लिए छोटी लड़की रुकमणी साहू को साथ लेकर राखी बाजार जा रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास पहुंचे थे कि मंत्रालय की तरफ से आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से युवती नीचे गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं चंद्रहास को भी चोट आई है और घटना के बाद बस चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया।